नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरों पर। यूपी के फतेहपुर जिले में सैकड़ों की तादाद में दिहाड़ी मजदूर पैदल यात्रा करते हुए अपने घरों की ओर पहुंचने के लिए जद्दोजहद में लगे हुए हैं। कुछ मजदूर ऐसे भी हैं जो जान जोखिम में डालकर ट्रक और तेल के टैंकरों के ऊपर लदकर अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। उनका कहना है कि लॉकडाउन के बाद काम नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से वो लोग घरों की ओर वापस जा रहे हैं। गाजियाबाद से आ रहा हूं। कैसे आ रहे हो गाजियाबाद? सर कंपनियां बंद हो गई, क्या करें सर? अब मान लो राशन वाला मकान मालिक को परेशान करेगा तो सर क्या करें? ऐसे अच्छा अपने चले आ रहे हो आप लोग? गाजियाबाद। क्या करते थे गाजियाबाद में? गाजियाबाद में फैक्ट्री में काम करते थे। क्यों चले आए आप लोग? वहाँ राशन पानी सब बंद हो गया, कर्फ्यू लग गया, इस कारण से चले आए। फतेहपुर में बाहर से आए हुए यात्रियों सहित दिन रात ड्यूटी करने के बाद खुद को सुरक्षित रखने के लिए सीएमओ ने होमगार्ड और पुलिस कर्मियों को खुद को बचाने की अपील की है। साथ ही ये भी कहा कि अच्छे से हाथ धोएं और सैनिटाइजर का उपयोग करें। जिस डंडे को पुलिसकर्मी इस्तेमाल करते हैं उसे भी सैनिटाइज करना जरूरी है, क्योंकि कोरोना बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक छूने से पहुंचती है। उन्हें जागरूक करने के लिए, इस बीमारी के बारे में जानकारी देने के लिए, किस प्रकार यह संक्रमण फैलता है उसके तरीकों के बारे में बताने के लिए, और उनसे किस प्रकार बचाव किया जा सकता है इसके बारे में बताने के लिए आज यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा डायरेक्टली ब्रीफ किया गया है, जो कि हर जगह पे ये इसको इन्फोर्स भी कर रहे हैं और बाहर से आने जाने वालों के विषय में भी जानकारी रख रहे हैं, जो वो एक तरह से उनको संभावित खतरे से वो जूझ भी रहे हैं, इसलिए उनको ट्रेनिंग देना या उनको वायरस के प्रकृति के विषय में, उसके संचरण के विषय में बताना, उससे बचाव के विषय में बताना ये आवश्यक है। हरदोई में लॉकडाउन की निगरानी ड्रोन कैमरों से की जा रही है। शाहबाद में एएसपी त्रिगुण बिसेन ने जगह जगह चौराहों पर ड्रोन कैमरे की सहायता से जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अगर जनता लॉकडाउन का पालन नहीं करेगी तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन कराया गया है, उसी को इन्फोर्स कराने के लिए ये जो है मॉनिटरिंग किया गया और ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई, जिससे कि आने जाने वाले जो लोग हैं उनकी फोटो ली जा सके और जो बिना किसी काम के घूम रहे सड़कों पर या उनमें जो है छतों वगैरह पे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। उत्तर प्रदेश के बलिया में लॉकडाउन के दौरान कोई पैदल पहुंच रहा है तो कोई साइकिल से। 10 लोगों का जत्था लगभग 130 किलोमीटर का फासला तय कर पैदल ही बिहार से बलिया पहुंचा। पैदल सफर कर रहे इन लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। आ रहे हैं, 6 दिन लगाए आने में और बहुत रास्ते में भी दिक्कत हुआ है और खाने पीने का कहीं रास्ता नहीं मिला है। कहीं 2 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए दुकान खुलती थी, वहाँ बिस्कुट लेते थे, खाकर पानी पीते चलते थे। पुलिस को देखते थे कि यहाँ से है तो पूछते थे, दूसरे रास्ते से हम लोग आते थे। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में किन्नर समाज भी सामने आया है। अमृत विहार कॉलोनी में राशन वितरण का कार्य किया गया। किन्नर समाज ने गरीब और मजदूर जरूरतमंद लोगों को समाज हित में राशन वितरित किया, जिसमें घरेलू सामान दाल चीनी आटा चावल तेल नमक आदि राशन वितरण किया गया। मैंने इसलिए कह रहा है, जो मोदी जी के आदेश है, ये जो लॉकडाउन हो रहा है हिंदुस्तान में, अपने अपने घरों में रहो तो सब भूख के मारे तड़प रहे हैं, है ना? तो जिनके पास गुंजाइश है वो तो अपने अपने घरों में बैठे हैं चुपचाप। मैंने सोचा मैं ही आगे बढ़ जाऊँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 14 अप्रैल तक 21 दिनों के लॉकडाउन घोषित किया है, यानी कि इस दौरान हमें घरों से बाहर नहीं निकलना है, घरों के अंदर ही रहना है, और ये कोरोना वायरस को हराने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस दौरान हमें लोगों से मिलजुल नहीं करना है और जरूरत पड़ने पर फोन से ही संपर्क करना है। कौशाम्बी के बॉर्डर पर थर्मल स्कैनिंग कैंप लगाया गया है, जहां नेशनल हाईवे 2 पर कौशाम्बी फतेहपुर बॉर्डर से गुजरने वाले सभी वाहनों को रोका जा रहा है। कौशाम्बी जनपद में लोगों को बॉर्डर पर ही उतारकर उनकी थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। थर्मल स्कैनिंग कैंप में कौशाम्बी के लोगों को रोककर उन्हें खाने पीने की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। बॉर्डर पर बने स्कैनिंग कैंप में सोशल डिस्टेंस का सबसे अधिक ख्याल रखा जा रहा है। तो आपने देखी उत्तर प्रदेश की खास खबरें, क्या कुछ उत्तर प्रदेश में चल रहा है। ठीक इसी तरह की बाकी खबरों के लिए और उत्तर प्रदेश की तमाम जानकारियों के लिए आप लगातार बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।